ईगल को आसमान का किंग यूं ही नहीं कहा जाता। यह इतना बड़ा शिकारी है कि यह अपने वजन से भी भारी शिकार को उड़ाकर चल पड़ता है। ईगल आसमान में उड़ती हुई आफत से कम नहीं। शिकार को पकड़ने के लिए यह 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही ईगल अटैक की वीडियो दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य एंड नेचर के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और पास ही बने बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। ईगल अपनी कुशल शिकारी रणनीति के लिए फेमस है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण के तौर पर इस वीडियो को देखा जा सकता है, जहां जमीन पर शांति से बैठे इस डक पर ईगल इतनी जोरदार तरीके से हमला करता है कि पहली बार देखने पर कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिरकार हुआ क्या। लेकिन जब आप इस वीडियो को रिपीट करके स्लो मोशन में देखेंगे तो असल माजरा क्या है यह समझ आ जाएगा। ईगल इतनी तेज गति से उड़कर आता है कि इस डक की गर्दन को तोड़कर उसे मौत की नींद सुला देता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हमले के वक्त ईगल की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जो एक रेसिंग कार से भी अधिक थी। यह हमला ईगल की गति और फुर्ती दोनों को जाहिर करने के लिए काफी है। ये तो था हवा से जमीन पर शिकार करने का बेहतरीन उदाहरण, लेकिन हवा में ही उड़ते हुए शिकार की यह दूसरी क्लिप आपको और हैरान कर देगी, जिसमें एक कबूतर को आसमान में अकेला उड़ता देख यह ईगल भी उसके पीछे लग जाता है। जैसे ही कबूतर को इस बात की भनक लगती है तो वह काफी तेज गति से उड़ने लगता है। कबूतर आगे आगे, ईगल पीछे पीछे, काफी देर तक दोनों के बीच रेस चलती है। कबूतर ईगल को गुमराह करने के लिए तारों के बीच से निकलता है तो कभी अपना रास्ता बदल देता है, लेकिन ईगल तो किंग है दोस्तों, यह कहां हार मानने वाला है। आखिर में ईगल कबूतर पर हमला करने में कामयाब हो ही जाता है और इसे अपना निवाला बना लेता है। शिकार करते वक्त ईगल इस बात की जरा भी परवाह नहीं करते कि शिकार कितना बड़ा और कितना वजनी है। जब यह ईगल जंगल के ऊपर से उड़ान भर रहा था, तभी उसे अचानक एक लोमड़ी दिखाई देती है। फिर क्या था, ईगल उस लोमड़ी पर हमला करने की कोशिश में जुट जाती है। जब ईगल तेजी से उड़ता हुआ लोमड़ी पर हमला करता है तो वह बच निकलती है। कुछ देर बाद ईगल लोमड़ी पर फिर हमला करता है और इस बार उसे सक्सेस मिल ही जाती है। दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है, लेकिन अंत में ईगल जीत जाती है और लोमड़ी को अपना भोजन बना लेती है। मगरमच्छ अपने आप में एक खतरनाक शिकारी है, इसके चंगुल से बच पाना मुश्किल होता है, लेकिन आज यहाँ जो होने वाला है उसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दरअसल यहाँ पर कुछ बेबी मगरमच्छ को अकेला पाकर ईगल उन पर हमला कर देता है। इन मगरमच्छ पर काबू पाने के लिए ईगल अपने घुमावदार नुकीले पंजों की मदद लेता है। पंजों के जरिए ईगल मगरमच्छ को दबोचने में कामयाब हो जाता है। कई बार तो ईगल को छोटे मगरमच्छ को लेकर उड़ते हुआ भी देखा गया है। दोस्तों, सांप अपने आप में एक खतरनाक जीव माना जाता है और यह काफी तेजी से चल भी सकता है, लेकिन ईगल की नजर से बच पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ईगल की आंखों की क्षमता इतनी अधिक होती है कि यह हजारों फीट ऊंचाई से भी जमीन पर देख सकता है। इसकी आंखों का विजन कमाल का होता है, जो लगभग 340 डिग्री का होता है। अपनी इस पैनी नजर के दम पर ईगल पानी में से सांप को भी उठा ले जाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ईगल कितनी रफ्तार से उड़ता हुआ आता है और अपने पंजों के बल पर सांप को पकड़कर 9-2-11 हो जाता है। ईगल आसमान में सांप को लेकर उड़ रहा होता है तो सांप अपने बचाव के लिए काफी कोशिश करता है, लेकिन ईगल उसे सावधानी से पकड़कर उड़ता रहता है और फिर सांप को अपने घोंसले में ले जाकर बच्चों को खिला देता है। आपको बता दें कि ईगल अपने शिकार को पकड़ने के लिए समुद्र पर घंटों तक मंडराते रहते हैं,
और फिर मौका मिलते ही अपने शिकार को दबोच लेते हैं। ईगल आसमान में देर तक बिना पंख हिलाए उड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करवाना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।